खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एस के शुक्ला को हटाया गया है। पेपर लीक मामले में रजिस्ट्रार एस के शुक्ला पर कार्रवाई। विनोद कुमार बने लखनऊ विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार। कानपुर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थे विनोद कुमार, पहले एस के शुक्ला के पास था कुलपति का प्रभार। महिला विद्यार्थी से प्रश्न पत्र को लेकर ऑडियो वायरल हुआ था। प्रश्न पत्र वायरल होने के बाद सरकार ने एसटीएफ को सौंपी थी जांच। यूपी में पेपर लीक मामलों से विवादों में आए लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार शैलेंद्र कुमार शुक्ला को हटा दिया गया है। उनके स्थान पर छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के रजिस्ट्रार विनोद कुमार सिंह को लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पद की जिम्मेदारी दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने रजिस्ट्रार एस के शुक्ला को प्रतीक्षा में रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही विनोद कुमार सिंह को कानपुर से तुरंत कार्यमुक्त होकर लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने को कहा है। तो बीते दिनों लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण को लेकर एसके शुक्ला विवादों में आए थे। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, एलबी पेपर लीक मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, अब रजिस्ट्रार एसके शुक्ला को हटा दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? ममता, देखिए पेपर लीक जो एलएलबी थर्ड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का पेपर लीक हुआ था, जिसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था। एक प्रोफेसर को हटाया भी गया था, हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल करके उनको रोका गया, नहीं हटाया गया। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार ने संज्ञान लिया, मामले की एसटीएफ को जांच सौंपी और दूसरा लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी एक कमेटी बनाई। हमेशा विवादों में घिरे रहने एसके शुक्ला को अब फिलहाल वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है, वेटिंग लिस्ट में, जबकि नए कुल सचिव की नियुक्ति कर दी गई है। कारण ये है कि एक पेपर जो एलएलबी थर्ड सेमेस्टर का लीक हुआ था, उसको लेकर के एक महिला से ऑडियो वायरल हुआ था, जिस पर आरोप था कि जो कुल सचिव हटाए गए हैं इनके और उस महिला के बीच में बातचीत हुई है। पेपर लीक को लेकर के कई सारे सवाल जवाब उसमें बताए गए थे, जिसके बाद परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, कई और परीक्षाओं को स्थगित किया गया था एलएलबी की, जिसके बाद लगातार जांच चल रही थी। काफ़ी विवाद लखनऊ विश्वविद्यालय परीक्षा को लेकर के विवादों के घेरे में आ गया था। अब जब नए कुलपति आ गए प्रोफेसर आलोक राय, उसके बाद कुल सचिव जो थे जिनके पास अतिरिक्त प्रभार कुलपति का था वो हटा, और उसके बाद अब उनको वहां से हटा दिया गया है, फिलहाल वेटिंग में डाल दिया गया है। एसटीएफ अभी भी पूरे मामले की जांच चल रही है, जो महिला थी उससे पूछताछ अभी भी एसटीएफ कई बार की है और अभी भी करने की तैयारी में। दूसरी तरफ जिस कॉलेज का पूरा मामला है उससे भी एसटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है, फिलहाल अभी और कई लोगों से पूछताछ होगी। लेकिन कुल सचिव जिनका ऑडियो उस महिला के साथ वायरल हुआ था उनको उच्च शिक्षा विभाग ने हटा करके वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। ममता जी, पंकज, विनोद कुमार नए लखनऊ विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार बनाए गए हैं, क्या उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है? देखिए ममता, उनको तत्काल बोला गया है ज्वाइन करने के लिए, कल ही देर रात आदेश निर्गत हुए हैं, तो संभवतः वो आज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि तत्काल उनको ज्वाइनिंग के लिए निर्देश दिए हैं, यानी कानपुर से कल देर रात जब आदेश जारी हुआ रवाना होंगे, आज संभवतः वो कार्यभार अपना ग्रहण कर लेंगे और करीब 12 से 1 बजे के बीच में कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है। लेकिन अभी वो समय तय नहीं है कि कितने बजे अपने पदभार ग्रहण करेंगे। पंकज, जैसे आपने बताया कि एसटीएफ लगातार इस मामले की जांच कर रही है, क्या लगता है कई अन्य लोगों पर भी इसकी गाज गिर सकती है, क्योंकि एसके शुक्ला को तो अब हटा दिया गया है? देखिए, एसके शुक्ला के साथ साथ जिस महिला से बात हुई थी, कई और प्रोफेसर के नाम सामने आए थे कि शायद वो पेपर लीक कराने में उनका भी हाथ था, तो एसटीएफ इस कड़ी पे पूरी जांच कर रही है, उस महिला से भी लगातार पूछताछ कर रही है। संबंधित कॉलेज जहां का पेपर लीक हुआ था
वहाँ के भी प्रबंध मैनेजमेंट से लगातार एसटीएफ पूछताछ कर रही है। कई लोग इस विवाद में, इस जांच में जो पेपर लीक हुआ था, इसके घेरे में हैं, लेकिन पहली जो कार्रवाई हुई है वो कुल सचिव एसके शुक्ला पे हुई है। उनको हटा करके वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। पहले उनसे कुलपति का जो प्रभार था, जब कुल जो वहाँ के कुलपति थे एसपी सिंह रिटायर्ड हुए तो उन्हीं के पास आ गया था, और उस जब नए कुलपति की नियुक्ति हुई तो उसका प्रभार हटा, अब वही हटा दिए गए। यानी पहली कार्रवाई एसके शुक्ला पे हुई है, आने वाले दिनों में कुछ और कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन अभी एसटीएफ की रिपोर्ट का इंतजार है फिलहाल। जी चलिए पंकज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।